तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब का बटन दबा के, और साथ में ही बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा ताकि हमसे जुड़ी हर एक खबर का आप लाभ। दोस्तों सिंपल सर्किट कैसे बनाते हैं, इसके लिए एक दो कमेंट्स आई थी तो मैं बना रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ये भी नहीं पता कि हम स्विच को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों एक 9 वोल्ट बैटरी और कनेक्टर है मेरे पास जो मैंने जोड़ लिया है। तो दोस्तों अब जो हमारे पास स्विच है उसमें दो वायर्स होती हैं, जिसमें एक वायर तो बैटरी के रेड पॉइंट से जोड़नी होती है और दूसरी हमारे पास एक एलईडी है, एक उससे जोड़नी होती है। और दोस्तों हमारा जो सिंपल सर्किट है वो बिल्कुल तैयार है, क्योंकि अगर आपको स्विच जोड़ना आ गया, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो स्विच को पैरेलल में जोड़ते हैं और उसमें से हाफ करंट पास होता है। तो दोस्तों अगर आपको यह पता लग गया कि स्विच को कैसे जोड़ते हैं तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों अब मैं दिखाता हूँ इसका स्विच ऑन करके। तो दोस्तों ये एक सिंपल सर्किट है जो एक एलईडी का काम आ सकता है। इससे आप सिंपल से एक टॉर्च बना सकते हो जो बिल्कुल ही इजी मेथड है। इसके साथ मैं आपको ये बताता हूँ कि बैटरीज भी दो तरह की होती हैं, एक होती है 9 वोल्ट की सिंपल बैटरी और एक होती है रिचार्जेबल बैटरी जो लेड एसिड बैटरी होती है। जो 9 वोल्ट वाली बैटरी है वो 15 से 10 रुपए मिल जाती है और ये बैटरी मिल जाती है हमें 25 से 50 रुपए में। तो दोस्तों इनमें जो पावर होती है वो 9 वोल्ट बैटरी से 10 गुना ज़्यादा होती है और ये रिचार्जेबल भी होती हैं। तो लाइक कीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को।